Topic of today's discussion is related to the previous topic which we were already discussing, hypothesis. कि मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी लास्ट क्लास के अंदर, और मैंने उसकी दो दो टाइप्स बताई थी. एक मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास जो है वो हाइपोथेसिस की टाइप होती है रिलेशनल हाइपोथेसिस, ठीक है. और रिलेशनल हाइपोथेसिस का मैंने आप लोगों को फर्दर बताया था जिसके अंदर कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप हो. अच्छा जी, एक सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्रिप्टिव है, दूसरा हमने डिस्कस किया था रिलेशनल है, जिसकी आगे से दो टाइप्स हैं, कोरिलेशनल एंड एक्सप्लेनेटरी और कॉजुअल, ठीक है जी. रिलेशनल के अंदर जो है वो आप वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं. हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. अब आज जो है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस. सो मूविंग ऑन, इससे पहले कि हम जो है फर्दर डिस्कस करें, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब सम डिफरेंट वेज टू स्टेट अ हाइपोथेसिस. एक है जी, हाई मोटिवेशन कॉजेज हाई एफिशिएंसी, ठीक है, कि दोनों कॉजुअल इफेक्ट है. ये कोरिलेशनल की और एक्सप्लेनेटरी की एग्जांपल्स हैं. हाई मोटिवेशन कॉजेज हाई एफिशिएंसी, हाई मोटिवेशन लीड्स टू हाई एफिशिएंसी. हाई मोटिवेशन इन इज रिलेटेड टू हाई एफिशिएंसी. अब इसमें देखें, इनका रिलेशनशिप आपको नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक की वजह से दूसरा इंक्रीज हो रहा है. हाई मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस हाई एफिशिएंसी, देन हाई मोटिवेशन इज एसोसिएटेड विद हाई एफिशिएंसी. हाई मोटिवेशन प्रोड्यूसेस हाई एफिशिएंसी. सो ये जो इन्फ्लुएंसेस एसोसिएटेड रिलेटेड लीड्स कॉजेज प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स इन, ये जो है ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जिससे आप पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बता सकते हैं या जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. अच्छा जी, फिर है हाई मोटिवेशन रिजल्ट्स इन हाई एफिशिएंसी. इफ हाई मोटिवेशन देन हाई एफिशिएंसी, द हायर द मोटिवेशन द हायर द एफिशिएंसी, ठीक है. तो अब आप देखें, दो वेरिएबल्स हैं एफिशिएंसी और मोटिवेशन, ठीक है. तो इनका जो रिलेशनशिप है जो बताया जा रहा है इन सारे हाइपोथेसिस में जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखे गए हैं, उसके अंदर जो है जो रिलेशनशिप बताया जा रहा है दैट इज़ पॉजिटिव एंड डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है. सो ये कुछ एग्जांपल्स थी आपकी एक्सप्लेनेटरी या कॉजुअल हाइपोथेसिस की, कि आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं डिफरेंट तरह से. अच्छा जी, फिर मूविंग ऑन टू द डिस्कशन अबाउट नल हाइपोथेसिस, जो आपकी थर्ड टाइप है हाइपोथेसिस की, उसको आप नल हाइपोथेसिस कहते हैं. इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड बाय द रिसर्चर. Researchers treat evidence that supports a hypothesis differently from the evidence that opposes it. अब इसके अंदर जो है ये evidence based होता है, और इसको जो है वो evidence से opposite नहीं लिखते, मतलब जो उनकी sensory organ से या observable जो information है उसकी researcher की, उसकी base के ऊपर इसको बनाया जाता है. ये आप खुद से नहीं बनाते, इसके अंदर आप कोई prediction नहीं कर सकते, ठीक है. आप जो ऑब्जर्वेबल रियलिटी है बेस्ड ऑन द एविडेंस, उसकी बेस के ऊपर नल हाइपोथेसिस बनाते हैं. दे गिव नेगेटिव एविडेंस मोर इम्पोर्टेंस देन टू द पॉजिटिव वन. जो नेगेटिव एविडेंस होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन द पॉजिटिव वन. इट इज़ बिकॉज द नेगेटिव एविडेंस ट्रैनिशेज द हाइपोथेसिस. अभी जो नेगेटिव एविडेंस होता है नल हाइपोथेसिस के अंदर, उसको ज़्यादा सिग्निफिकेंस हासिल है या उसको ज़्यादा स्टेट किया जाता है पॉजिटिव रिलेशनशिप के बजाय, ठीक है. तो नल हाइपोथेसिस को आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर दो वेरिएबल्स के दरमियान जब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, उसको पोर्ट्रे करने के लिए या उसको लिखने के लिए नल हाइपोथेसिस को इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ बिकॉज नेगेटिव एविडेंस ट्रैनिशेज द हाइपोथेसिस. ये इसलिए क्योंकि नेगेटिव एविडेंस जब आपके पास आता है तो वो हाइपोथेसिस को आपके ट्रैनिश या फिनिश करने की कोशिश करते हैं. यू मूव ऑन टूवर्ड्स पॉइंट ज़ीरो फ्रॉम समथिंग मोर प्रोडक्टिव. It shows that the predictions made by the hypothesis are wrong. ये जो है null hypothesis ये show करता है कि जो आपकी predictions आपने बनाई थी hypothesis के अंदर वो गलत है. The null hypothesis simply states that there is no relationship between the variables or the relationship between the variables is zero. Null hypothesis हर उस जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर आपको लगता है कि दोनों variables के दरमियान negative relationship है, मतलब एक का दूसरे के ऊपर कोई effect नहीं है और दोनों का एक जो है वो एक का दूसरे के ऊपर जो अफेक्ट है या जो एक की वजह से दूसरा जो होने वाला जिस तरह से कॉजल रिलेशनशिप था कॉजल हाइपोथेसिस के अंदर वो नहीं है. वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ ज़ीरो, नल. नल का मतलब ज़ीरो भी होता है. दैट इज़ हाउ सिम्बॉलिकली नल हाइपोथेसिस डिनोटेड
एज एच जीरो, इसको आप एच जीरो लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल एच जीरो, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट एंड द लेवल ऑफ एफिशिएंसी. अब ये आपका हाइपोथेसिस ये कह रहा है, जब आप इसके ऊपर रिसर्च करने लगेंगे, इसके अंदर लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट एंड लेवल ऑफ एफिशिएंसी जो है दोनों वेरिएबल हैं. ठीक है, अच्छा, जब आप इसके ऊपर, अब ये जो वर्ड था ना कि इट इज़ बिकॉज द नेगेटिव एविडेंस ट्रेनिशेज द हाइपोथेसिस, ये आपने नेगेटिव एविडेंस कर लिया रिकॉर्ड. आपका नल हाइपोथेसिस ये है कि इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट के अंदर भी और लेवल ऑफ एफिशिएंसी के अंदर भी. ठीक हो गई बात. अच्छा, अब जब आप इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करेंगे, सही है, और आप कल को ये जो नल हाइपोथेसिस है इसको रिजेक्ट करके एच वन दूसरा एक न्यू हाइपोथेसिस बना सकते हैं, आप इस चीज़ को गलत प्रूव कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इनके दरम्यान में रिलेशनशिप है. ठीक है, और अनदर नल हाइपोथेसिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट द लेवल ऑफ एफिशिएंसी जीरो. ठीक है, और द टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. नल हाइपोथेसिस वहाँ पे लिखते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि दोनों वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, कोई एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. अच्छा जी, इसके अंदर जो है इट डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन द डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन, दैट इज एच जीरो इज नॉन डायरेक्शनल. इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो डायरेक्शन है या एसोसिएशन है वो बिल्कुल जीरो है या नॉन डायरेक्शनल है, विच मे बी अ सेकेंड स्टेप इन टेस्टिंग द हाइपोथेसिस. बाद में जब आप इसको देखते हैं तो उसका जो है वो आप डायरेक्शन भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एंड यू डू ट्राई टू मेंटेन अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. फर्स्ट वी लुक वेदर और नॉट देयर इज एसोसिएशन, देन वी गो फॉर द डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन. पहले आप जो है वो देखते हैं कि आया इसके अंदर कोई रिलेशनशिप या एसोसिएशन दोनों वेरिएबल्स के अंदर में है या नहीं है. उसके बाद जो है आप उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्शनल है नॉन डायरेक्शनल है. फिर उसके बाद आप स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. पहला ये कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में कोई ताल्लुक है या नहीं है. दूसरी चीज़ ये पॉजिटिव ताल्लुक है या नेगेटिव ताल्लुक है, डायरेक्शन उसकी है या नहीं है. तीसरी चीज़ ये कि कितना स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा साथ ही बढ़ रहा है, नहीं कितना ज़्यादा स्ट्रांगली डिपेंडेंट है एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर. एक्सपर्ट्स रिकमेंड दैट वी टेस्ट आवर हाइपोथेसिस इनडायरेक्टली बाय टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस. फॉर एग्जांपल, एक्चुअली मैं चेक ये करना चाह रही हूँ रिलेशनशिप जॉब कमिटमेंट का लेवल ऑफ एफिशिएंसी का है या नहीं. ठीक है, लेकिन इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट और मुझे नहीं पता उनका क्या रिलेशनशिप है, तो कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपने अभी बेसिक रिसर्च करनी है उसको आप नेगेटिव स्टेटमेंट से उठाते हैं नल हाइपोथेसिस से. इंस्टेड ऑफ डूइंग माय फुट वर्क एंड देन प्रूविंग समथिंग इज राइट एंड रॉन्ग, मैं इनिशियली दोनों वेरिएबल्स को लेती हूँ जिनके दरमियान में मैं रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रही हूँ और उनको मैं कहती हूँ कि इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है या इनका जो एक दूसरे का इम्पैक्ट है वो जीरो है और दोनों कहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से. जब आप उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करते हैं और आपके पास जो फैक्चुअल डाटा आता है या आप जो एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं, तब आप उसको टेस्टिफाई या डी टेस्टिफाई कर सकते हैं. आप ये भी कह सकते हैं कि इनका रिलेशनशिप है, उससे आप एक और हाइपोथेसिस बना सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस मैंने बनाया था ये बिल्कुल जो है वो अप्लाई नहीं होता है सिचुएशन के अंदर. ठीक है, दोनों केसेस के अंदर आप एक न्यू हाइपोथेसिस बनाते हैं. एक्सपर्ट्स रिकमेंड दैट वी टेस्ट आवर हाइपोथेसिस इनडायरेक्टली बाय टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस. इन केस वी हैव एनी क्रेडिबिलिटी इन हाइपोथेसिस देन द रिसर्च डेटा शुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. ठीक है, अगर क्रेडिबिलिटी होगी उन दोनों का आपस में वेरिएबल्स का कोई रिलेशनशिप होगा तो जो डेटा आपके पास आ गया है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देगा. रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस लीड्स टू द एक्सेप्टेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. जो नल हाइपोथेसिस के बाद जो आप एक न्यू हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको आप एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं. सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और ये नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाली ज़्यादातर प्रैक्टिस जो है वो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर होती है. जब आपको दो वेरिएबल्स के दरमियान का कोई रिलेशनशिप समझ नहीं आ रहा होता कि क्या है एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट देयर रिलेशनशिप इज़, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो उस केस के अंदर आप जो है वो नल हाइपोथेसिस पहले एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं रिसर्च करने के लिए, फिर उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करते हैं. अगर जो डाटा या एविडेंस आपने कलेक्ट किया है वो रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, उसके बाद आप जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं. सो मूविंग ऑन. अच्छा जी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इट इज़ एन अल्टरनेट या नल हाइपोथेसिस के बाद आपका आता है उसका एक
क्या कहना चाहिए, ऑप्शन बी है, अल्टरनेट टू द नल हाइपोथेसिस, इट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू द नल हाइपोथेसिस, सिंपली इट स्टेट्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर स्टडी. अब ये कहता है कि जो वेरिएबल्स आपने चूज किए हैं रिसर्च करने के लिए उनके दरमियान में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. इन आवर एग्जाम्पल इट कुड बी देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट एंड द लेवल ऑफ एफिशिएंसी. ठीक है, नल हाइपोथेसिस के अंदर पहले पहले आपने नल हाइपोथेसिस लिखा, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट एंड द लेवल ऑफ एफिशिएंसी. फिर जब आपने डाटा उसके ऊपर कलेक्ट किया तो आपको लगा कि येस देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जॉब कमिटमेंट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेवल ऑफ एफिशिएंसी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो उस केस के अंदर जब आपके पास एम्पल ऑफ मतलब एक अच्छी अमाउंट ऑफ डाटा इकट्ठा हो जाता है जो सपोर्ट करता है इस एविडेंस को कि इनके दरमियान में रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के, उस केस के अंदर जो है वो आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं. एंड योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी स्टेटेड लाइक देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट एंड द लेवल ऑफ एफिशिएंसी. Not only there is an association between the two variables, the relationship is perfect, which is indicated by number one. ठीक है, तो जो null hypothesis है उसको आप H zero से representation लिखते हैं, उसका symbol ये है null hypothesis के H zero. और जो alternative hypothesis जो null hypothesis के बाद आप बनाते हैं उसको आप H one से denote करते हैं या H one से उसको जो है वो indicate करते हैं, उसका sign H one है. Thereby the alternative hypothesis is symbolically denoted as H1. It can be written like this. H1 is colon लगाएंगे आप and then you write there is a relationship between the level of job commitment of the officers and the level of efficiency. ठीक है, having said that, ये जो सारी चीज़ें हैं they are very significant. In doing any form of research, जब आप proper research work करते हैं तो सबसे पहले मैंने जिस तरह से आप लोगों को कहा hypothesis की इतनी significance है कि सबसे पहले आप hypothesis बनाते हैं. जो दो वेरिएबल्स आप स्टडी करना चाह रहे हैं उनको जो है आप लिखते हैं. ठीक है, एंड यू ट्राई टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन देम. अगर आपको जो इनिशियल डाटा मिला है उसके अंदर कोई एविडेंस नहीं है कि उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप है तो तब आप नल हाइपोथेसिस बनाते हैं एंड यू से दैट. और अगर आपने फॉर दैट मैटर आपने इनिशियल रिसर्च नहीं भी की, आप सिर्फ उनका कोई रिलेशनशिप डिस्कस करना चाह रहे हैं या अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कोई चीज़ है या नहीं, ठीक है, तो उनको आप जो है वो नल हाइपोथेसिस उसके ऊपर लिखते हैं, उस नल हाइपोथेसिस बनाते हैं. नल हाइपोथेसिस बेसिकली नेगेटिव रिलेशनशिप को फोकस कर रहा होता है, विच सेज के दोनों का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है आपस में. जब आपके पास एम्पल ऑफ डाटा इकट्ठा हो जाता है, यू हैव गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ डाटा विच इज़ प्रेजेंट ऑन दैट, तो तब आप जो है वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं नल हाइपोथेसिस को. अगर तो आप उसको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च नहीं हो सकती, ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड ही नहीं है. लेकिन अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है उस केस के अंदर आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं. ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आप एच वन से डोनेट करते हैं. अच्छा जी, फिर जो फिफ्थ टाइप है रिसर्च हाइपोथेसिस की, इसको आप कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस. रिसर्च हाइपोथेसिस इज़ द एक्चुअल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड बाय द रिसर्चर विच में ऑल्सो सजेस्ट द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप. अब जो फाइनल फॉर्म होती है रिसर्च हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं आप, और उसके अंदर जो है आप नेचर ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर भी फोकस कर रहे होते हैं, मतलब आप डायरेक्शन बता रहे होते हैं रिलेशनशिप की कि क्या है. इन आवर एग्जांपल इट कुड बी लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी. आप ये कह सकते हैं कि लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट जो है इज़ पॉजिटिवली एसोसिएटेड. अब आप देखिए पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा है विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी, मतलब लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इट इज़ पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी विच इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब उनका एफिशिएंट होना इज डिपेंडेंट ऑन कि वो कितने कमिटेड हैं अपनी जॉब के साथ. ठीक है, अच्छा जी, फिर मैं अगर आप लोगों को कहती हूँ कि आप जो है एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आप फॉर एग्ज़ाम्पल टेररिज्म के ऊपर चले हम बात कर लेते हैं. टेररिज्म के ऊपर मैं कहती हूँ कि पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है, लीड टू, अब ये कॉजल जो हाइपोथेसिस मैं बना रही हूँ, पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस लीड टू एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म इन द सोसाइटी. ठीक है, तो उसके अंदर जो पुअर इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं सोसाइटी की और इकोनॉमिक की जो पुअर कंडीशंस हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा,
और जो एक्सट्रीमिज्म है या टेररिज्म है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बुरी होने की वजह से जो है टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी एग्जांपल को जो मैंने अभी कोट की है उसका मैं अगर नल हाइपोथेसिस बनाऊँ तो मैं कहूँगी देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इंक्रीजिंग एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म इन द सोसाइटी। ठीक है, अच्छा जब मैंने उसके ऊपर डेटा इकट्ठा कर लिया देन आई केम टू नो दैट नो देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स, एक इंडिपेंडेंट है दूसरा डिपेंडेंट है। देन आई विल राइट एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसके अंदर मैं लिखूंगी दैट द रिलेशनशिप बिटवीन पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इंक्रीज टेररिज्म, देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इंक्रीज टेररिज्म इन द सोसाइटी। ठीक है, अब ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। इफ आई विल ट्रांसलेट दिस एग्जाम्पल इन टू द रिसर्च हाइपोथेसिस देन आई कैन राइट दैट पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद इंक्रीज टेररिज्म्स इन द सोसाइटी। ठीक है, अब आप देखें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा इसी तरह से अगर मैं कहूँ जी कि कोई साइंटिफिक एग्जांपल ले लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ कि सनलाइट इज सिग्निफिकेंट फॉर इनिशिएटिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये मेरा जो है वो कॉजल रिलेशनशिप मैंने बता दिया जिसके अंदर मैं कह रही हूँ कि सनलाइट जो है वो ज़रूरी है, सनलाइट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फोटोसिंथेसिस जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें अगर मैं नल हाइपोथेसिस लिखने की कोशिश करती हूँ तो आई वुड से दैट देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब वो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है डेटा मेरे पास आ गया कि नहीं इनका रिलेशनशिप है, देन आई कैन राइट दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ लाइट अ प्लांट इज गेटिंग एंड इट्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट कैरीज। फिर जब मैं उसको रिसर्च हाइपोथेसिस में लिखूंगी तो आई कैन राइट दैट इंक्रीज सनलाइट, ठीक है, या इंक्रीज अमाउंट ऑफ या ग्रेटर अमाउंट ऑफ सनलाइट इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इन प्लांट्स।